Swayam Prabha, Digital India, Educated India. से आपका एक बार इस इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में स्वागत है और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा फ्रेम के बारे में बात करी थी और उससे कुछ रिलेटेड कमांड्स के बारे में बात करी थी और आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने डेटा फ्रेम के अंदर हमारे और कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं और हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को हम अपने डेटा से निकाल सकते हैं उसके क्या क्या कमांड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे ओके okay, तो चलिए हम आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर में भी हम अपने पहले वाले डेटा फ्रेम जो मैंने मास पैकेज में पेंटर्स को निकाला था उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसी डेटा सेट के ऊपर हम प्राइमरिल हम ऑपरेशन करेंगे हम और उसमें से हम अपने डेटा सेट में से भिन्न भिन्न तरीके की जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे आर कमांड्स की सहायता से तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर आपको हमारे कोर्स की स्लाइड्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे होम पेज पर चले जाइए और हमारा होम पेज है होम डॉट आई आई टी के डॉट ए सी डॉट आई एन बैक स्लैश एस एच एल ए बी और बैक स्लैज एस पी एस पी का मतलब स्वयं प्रभा और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत होती है तो आप इस क्यू आर कोड को स्कैन कर लीजिए आप क्यू आर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट इसी एड्रेस पर ले आएगा और वहाँ से आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसमें भी आपको देख कोई समस्या आती है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन में चले जाइए वहाँ पर मेरा नाम टाइप कर दीजिए एस एच एल ए बी एच और साथ ही मेरा जो इंस्टीट्यूशन है आई कानपुर टाइप कर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पर पे जब आप आएंगे तो आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिल जाएगा और जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस कोर्स की सारी फाइल्स पी फॉर्मेट में मिल जाएंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं जो हमने लाइब्रेरी मास्क को इस्तेमाल करते हुए मैंने पेंटर्स डिकेटा सेट को पिछले लेक्चर में यूज़ किया था उसी डेटा फ्रेम को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी डेटा फ्रेम की सहायता से हम अपने भिन्न भिन्न ऑपरेशन को करने की कोशिश करेंगे और इस में है क्या ये जो पेंटर्स नाम का ये है एक हमारा डेटा फ्रेम राइट और इसके अंदर बहुत सारे पेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उनके नाम दिए गए हैं और जो उनकी पेंटिंग से रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं कंपोजिशन ड्राइंग कलर एक्सप्रेशन स्कूल इत्यादि इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है ओके okay, और हर एक जो जो हमारी रो है वो एक किसी पर्टिकुलर पेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जैसे दूसरी रो में इसको डा विंसी नामक पेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ओके okay, तो हमने इसको लोड करने के लिए सबसे पहले अपना कमांड यूज कर लिया लाइब्रेरी और बैकअ में लिख दिया मास एम ए डबल एस कैपिटल लेटर्स में और फिर हमने इस पेंटर का जो डेटा सेट है ये हमारे आर कंसोल में लोड हो गया अब हम बात करते हैं कि अगर मुझको अपने इस डेटा फ्रेम से कोई एक सबसेट निकालना है जैसे कि हम अगर क्लास में कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 परसेंट और 80 परसेंट के बीच में आए हैं वो अपना अपना नाम मुझे एक कागज़ पर लिख करके दे दें तो ये क्या हो गया ये हमारे उस क्लास का एक सबसेट हो गया उसी तरीके से अगर हम कहें कि हमारे क्लास में जो जो हमारे मेल स्टूडेंट हैं वो अपना अपना नाम मुझको लिख करके के दे दें या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे क्लास के फीमेल स्टूडेंट हैं वो अपना नाम लिख के दे दें तो ये क्या हो गया ये हमारे सबसेट हो गए कहा सबसेट हो गए क्लास के क्लास मतलब कक्षा ओके okay, तो इसी तरीके से आप अगर ध्यान देंगे कि जो आपका डेटा फ्रेम होता है इसमें बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे अगर लें कि आपने देखिए ये डेटा सेट आपने देखा था अब यहाँ पे बहुत से सवाल हमारे पास उठ सकते हैं अगर हम मान लीजिए कंपोजिशन की बात करते हैं तो आप देखोगे इसमें से हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के नंबर हैं दस पंद्रह आठ बारह शून्य पंद्रह अब अगर मान लीजिए कि हमको इसमें से ऐसे पेंटर्स के नाम निकालने हैं जिनके लिए कंपोजिशन हमारा आठ के ऊपर होना चाहिए राइट right. या ऐसा हो सकता है कि हमको यहां पे ऐसे पेंटर्स के नाम निकालने हैं जिनके लिए हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो है जैसे देखिए एक वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही है ऐसी और भी वैल्यू होंगी इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आप स्कूल का ध्यान दीजिए स्कूल में आपकी कैटेगरी दी है ए ए करके इसी तरह से जी एच आठ कैटेगरी हैं तो हमको उन सारे पेंटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो एक माना कि स्कूल ए को बिलोंग करते हैं या जो हमारे स्कूल एच से आए हैं हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच इसके थ्रू मैंने अपने डिफरेंट स्कूल्स को इंडिकेट किया है तो उसी तरह से हमको अगर कोई स्कूल हमारा है जी उसके थ्रू उसके हमारे कौन कौन से पेंटर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो इसी तरह की जो भी हम इंफॉर्मेशन बाहर निकालेंगे इनको हम कहते हैं ये हमारे सबसेट हैं अब सबसेट को बाहर निकालने के लिए हमारे पास कमांड होता है एस यू बी एस ई टी सबसेट और ब्रैकेट के अंदर पैरेंथिस के अंदर आपको उस डेटा फ्रेम का नाम देना है जहाँ से आपको सबसेट निकालना है और उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा आपका क्या क्राइटेरिया है आप क्या निकालना चाहते हो ये क्राइटेरिया आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि अगर अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा किसी स्थिति का डेटा सेट है और अगर हमको ये मालूम करना है कि इस शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम पाँच लाख के ऊपर है और वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया हमारे पास दो तरह के क्राइटेरिया हो गए एक हो गया इनकम और एक हमारा हो गया कि वो किस तरह की जॉब करते हैं गवर्नमेंट है प्राइवेट है या अपना उनका बिज़नेस है जो भी कुछ है इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पे अभी आपको सिखाने के लिए खाली एक ही क्राइटेरिया लिया है कि हमको अपने पेंटर्स नाम के डेटा फ्रेम से उन पेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो स्कूल एफ़ को बिलोंग करते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने लॉजिकल इक्वलिटी का साइन दिया है तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन होगा लॉजिकल ओके okay, और एफ हमारा क्या है एफ हमारा कैरेक्टर है तो इसको मैंने सिंगल कोट में दिया है ओके okay? अब ये आपको हर एक कमांड के हेल्प मेन्यू में जा करके के देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको इन जो कमांड्स के ऑप्शन क्या क्या होते हैं आपको इसको बिना किसी कोट के देना है सिंगल कोट में देना है डबल कोट में देना है या आपको कॉमा लगाना है कि आपको कोलन लगाना है कि सेमी कोलन लगाना है जो भी कुछ है इसीलिए आपको सब मेरी सबसे पहली एडवाइस होती है कि कोई भी नया कमान इस्तेमाल करने के पहले आप उसका हेल्प मेन्यू में जा करके पूरा पूरा विस्तार से उसका जो विवरण दिया हुआ है उसको समझने की और पकने की कोशिश करिए ओके अब देखिए हम जब इस कमांड को को हम एग्जीक्यूट करेंगे सबसेट और पैरेंथेसिस में पेंटर्स कॉमा स्कूल एंड लॉजिकल इक्वलिटी साइन एफ कोर्स के अंदर तो हमारा आउटकम देखिए ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सारे के सारे देखिए स्कूल आपके एफ आ गए अर्थात इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह के आठ कैटेगरी के, के जो आपके स्कूल थे उसने इसमें जिन जिन स्कूलों की कैटेगरी थी एफ वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको निकाल करके दे दी है तो ये क्या हो गया ये हमारा इस पेंटर डेटा सेट का एक छोटा सा सबसेट हो गया जहाँ पर हमारे पास उन सारे पेंटर की इंफॉर्मेशन है जो स्कूल एफ से आए हैं राइट right, अब इसको से हम आपको आर में करके दिखाते भी है। सब हैं सबसे पहले हम अपनी मास लाइब्रेरी को लोड कर ले देखिए लोड हो गई फिर हमने यहाँ पे कर दिया देखिए पेंटर्स पहले हम आपको दिखा दें आप देखेंगे ये यह देखिए यह देखे, यहाँ पे चार पेंटर ऐसे हैं जिनका स्कूल है एफ राइट अब इसी कमान को देखिए हम यहाँ पे करते हैं सबसेट स्कूल इक्वल टू एफ ये देखिए आपका आउटकम आ गया और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई और स्कूल कर दें आप अगर कर दें ए तो देखिए ये आपको ए स्कूल के हमारे जो भी पेंटर्स हैं वो आ गए और इसी और इसके अलावा आप अगर कोई और भी यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं जैसे कि हम कहें कि अगर हमको कोई ऐसा डेटा सेट चाहिए जहाँ पर हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है तीन चौदह सात आठ एक्सेट्रा हम कहते हैं हमको एक ऐसा पेंटर्स का डेटा सेट निकालना है अपने इस पेंटर से जहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आठ से ज़्यादा होनी चाहिए ओके okay, तो हम देखिए कैसे कर देंगे हम कर देंगे सबसेट कहाँ से निकालना है पेंटर से और अपना कमांड लिख देंगे हम एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉमा आएगा और एक्सप्रेशन हमारी कंडीशन के आठ से ज़्यादा होनी चाहिए तो देखिए मैंने इसको किया देखिए आपको ये एक नया डेटा सेट आ गया जहाँ पर आप आप इस कॉलम में अगर नीचे ध्यान देंगे तो देखिए इसमें आपको हर जगह पे एक्सप्रेशन की वैल्यू चौदह से ज़्यादा मिल रही है राइट right. अब उसी तरीके से आप अगर आप इस कॉलम पे देखिए ड्राइंग ड्राइंग में क्या क्या वैल्यूज़ हैं 16, 16, 18, 14 इस करके तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझको अपने पेंटर डेटा सेट से अगर ऐसी पेंटर के नाम निकालने हैं जिनके लिए हमारा जो ड्राइंग है ड्राइंग की वैल्यू अगर हम कहें कि एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्टीन है तो देखिए यह आ गया ये हमारा था ड्राॅइंग अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे कॉलम में हमारा फोटीन दिया हुआ है देखिए ओके तो देखिए ये हमारा क्या हो गया ये हमारा एक पेंटर डिकेटर सेट से मैंने एक सबसेट निकाल लिया ना ओके चलिए अब हम अपने स्लाइड पर वापस आते हैं और अब आपको ये दिखाना चाहेंगे ये जो मैंने कमांड दिया है यहाँ पे जैसे सबसेट पेंटर्स स्कूल इक्वल टू एफ इसको हम एक और हमारा कमांड होता है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए आपको मैं कमान करके दिखाता हूँ ये कमान को आप अगर समझने की कोशिश करिए तो देखिए क्या है यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है पेंटर्स और उसके अंदर मैंने क्या दिया हुआ है पेंटर्स और पेंटर्स के अंदर हमको ये हमारा चूँकि डेटा फ्रेम है तो मैंने स्कूल का जो वेरिएबल्स कलेक्ट कर लिया स्कूल एक हमारा स्ट्रिंग है तो उसको मैंने डबल कोर्स में दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा दिया लॉजिकल इक्वल्टी साइन और इसको मैंने कर दिया एफ अब अगर अब आप देखिए आपको इतना समय के बाद में अब ये समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखने की कोशिश करी है सबसे पहले आप इस पार्ट पे ध्यान दीजिए ये कुछ वैसे ही तो लिखा हुआ है जिस तरीके से हम ये निकालते थे कि कोई अगर हमारा डेटा बेटर है एक्स तो एक्स में हमारे अगर हम कहें कि ए, कोई और वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हमारी वैल्यू है एफ तो ऐसे हमारे उस डेटा सेट में कौन कौन सी वैल्यू है करस्पॉन्डिंग जिनके थ्रू हमारे वेरिएबल की वैल्यू है एफ उसी तरह का कुछ है यही काम मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी है आप अगर देखिए आप अगर खाली इसका जो पहला हिस्सा है आप अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा देखिए इसने आपको स्कूल के आगे गया आपका जो भी पेंटर का डेटा सेट है और उसने कहा कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू है जहाँ पर स्कूल की वैल्यू हमारी आती है एफ़ और उसने उसको वहाँ पे सारा सारा डेटा सेट में जो 54 वैल्यूज़ हैं वहाँ से उसने देख लिया कि कौन कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू है और आपने अब इसमें से देख लिया कि इस पेंटर्स डेटा सेट में कौन कौन सी वैल्यू हमारी ट्रू के बराबर है और देखिए ये आपको वैल्यूज मिल गई आपको ट्रू देखिए कहाँ कहाँ था जैसे देखिए ये है ये है ये है ये है राइट देखिए कार वैल्यू जहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पर ट्रू है और देखिए आपको यहाँ पे इन चार लोगों के बारे में पता चल गया कि ये चार ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनका स्कूल हमारा एफ है ओके तो ये भी बहुत ही आसान चीज़ है लेकिन इसको समझने के लिए आपको जो पहले के कमांड्स हैं जिस तरह का मैंने आपको याद होगा मैंने किया था x x ग्रेटर दैन फाइव इस तरह के मैंने बहुत से उदाहरण के लिए मैंने कमांड्स पहले इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसका भी आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप इस्तेमाल करिए तो आपको ये एक्सप्रेशंस यहाँ पर देखिए मिल जाएंगे ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से अगर आपने जैसे देखा है मैंने आपको बाकी भी कंडीशन करके दिखाई है कि अगर आपको अपने इस पेंटर्स में से कुछ एक ऐसा सबसेट निकालना है जहाँ पर कंपोजिशन की वैल्यू छः के बराबर या कम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू सिक्स होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका लॉजिकल वेरिएबल है हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे और इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा आपको कंपोजिशन में आप देख लीजिए यहाँ पे आपको ये जो आपका आउटकम आया है यहाँ पे सारे सारे कंपोजिशन की वैल्यू या तो छः के बराबर है या उससे कम है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको देखिए पूरा पूरा डेटा सेट मिल रहा है आप अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आपका ना आया हो तो अगर हम कहें कि अगर आपका ये बड़ा सा कोई डेटा सेट है तो जो सबसेट है ये उसको पूरा पूरा चॉप ऑफ करता है ये सारे सारे वेरिएबल्स पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखेता है ओके तो आप अगर इसको भी आर कंसोल में करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसी कमान को अगर हम यहाँ पे आर कंसोल में एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या आ गया और यही स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है अब हम एक काम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक आप जो भी देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं इसके अंदर ये सारे के सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं एक साथ लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा सबसेट निकालना है जहाँ पर मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स को या दो कॉलम्स को हटा देना है जैसे कि अगर हम कहें आपसे मैं देखिए इसको फिलहाल रंग से कर रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे एक ऐसा प्रिंटर में से सबसेट निकालना है जहाँ पर कंपोजिशन की तो वैल्यू छः से कम या बराबर हो लेकिन उसमें से साथ में एक्सप्रेशन और स्कूल के हमारे जो कॉलम्स उसमें ना आए और सिर्फ मुझे खाली इतना हिस्सा ही दिखाई पड़े अर्थात हम ये चाहते हैं कि हमारे सबसेट में हमको सारे वेरिएबल नहीं चाहिए हमको उसमें से कुछ सेलेक्टेड वेरेबल्स से उसके ऊपर ही इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कि अगर हम कहें कि अगर मुझको एक ऐसा सबसेट निकालना है इस पेंटर में से पेंटर्स जो हमारा डेटा फ्रेम है जहाँ पर हमको उन पेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो स्कूल एफ को बिलोंग करते हैं और साथ में हमको पूरे पूरे डेटा पर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे खाली कंपोजिशन ड्राइंग और एक्सप्रेशन पर इंफॉर्मेशन चाहिए राइट right. तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप खाली अगर इतना ही लिखेंगे सबसेट पेंटर्स स्कूल इक्वल टू एफ तो आपको ये पांचों वेरिएबल्स पर इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन आप इसमें से दो वेरिएबल्स को हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो हम इसी कमांड में ऐड कर देंगे सेलेक्ट एस ई एल ई सी टी और इस सेलेक्ट में क्या होता है कि आपको जिन जिन कॉलम्स को आप हटाना चाहते हैं उनकी जो पोजीशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है संख्या है आप उसको माइनस साइन के साथ में दे दीजिए जैसे अगर हम मान ली इसी उदाहरण में, में अगर हम बात करते हैं देखिए हम इसको नीले रंग में लिखते हैं ये आपका कॉलम नंबर है वन ये है टू ये है थ्री ये है फोर और ये है कॉलम नंबर फाइव आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एक के ऊपर इन्फॉमेशन चाहिए कंपोजिशन के ऊपर आपको ड्राइंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको एक्सप्रेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए अर्थात आपको कॉलम नंबर एक दो और चार इनको आपको अपने पास रखना है और ये जो कॉलर नंबर तीन है कलर और कॉलर नंबर पाँच है स्कूल इसको आपको हटाना है तो आप क्या करिए आप यहाँ पे लिख दीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे आप दे दीजिए वह कॉलम संख्या जो हटाई जानी है राइट right. ये आप यहाँ पे लिख दीजिए तो आपने और, और इसको साथ में माइनस साइन के साथ में करना है आपको देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन लगाना है अगर आपको तीन और पाँच कॉलम को हटाना है तो आप यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे माइनस थ्री माइनस फाइव और चूंकि दो से वैल्यू है तो इसको हम सी कमान के साथ में दिखा देंगे इसका मतलब हो जाएगा कि पेंटर्स डेटा सेट के अंदर आइए वहाँ से स्कूल इक्वल टू एफ सेलेक्ट करिए और जो जो भी आपका डेटा वहाँ पे आता है उसमें से आप तीसरे और पांचवें कॉलम को हटा दीजिए और इस उसके बाद आप जब इसका आउटपुट लेंगे तो देखिए आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा अब देखिए यहाँ पे खाली आपको कंपोजिशन ड्राइंग और एक्सप्रेशन का ही कॉलम आ रहे हैं बाकी जो आपके दो कॉलम थे वो आपके यहाँ से हट गए हैं अब कर कौन कौन से हटे हैं कलर के और स्कूल के आप अगर ध्यान दीजिए देखिए था ना ये आपको हटाना था कलर और स्कूल राइट आप हम जरा सा इसको देखिए हम आपको करके दिखाते हैं आर कंसोल में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये देखिए इस कमान को हम जब यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए वही आउटकम आ गया और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिए हम यहां सेलेक्ट हटा देते हैं ये, ये आपको पूरा का पूरा सबसेट मिलेगा और इसमें से आपने अपने ये कलर और स्कूल ये दोनों आपने कॉलम यहाँ से हटा दिए और उसको कैसे लिखा सेलेक्ट इज इक्वल टू सी माइनस थ्री माइनस फाइव और उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए इसमें से अगर किसी खाली एक ही कॉलम को हटाना चाहते हैं राइट तो हम इसको ऐसा भी दे सकते हैं मान लीजिए आप अगर पहले कॉलम को हटाना चाहते हैं कंपोजिशन को तो आपने दे दिया सेलेक्ट इज इक्वल टू माइनस वन और अगर आप अगर मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा कॉलम को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए सी से आप अगर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री को आप आप अगर करना चाहते हैं आपको खाली जो बस एक्सप्रेशन और स्कूल पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखिए आपको मिल जाएगी राइट right. ये कुछ आपका ऐसा ही तो कमांड है जो आप आप स्प्रेडशीट में हाइट के थ्रू करते हैं और सबसे बड़ी बात पता है क्या यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सारे इन्फो, आपने जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे आपने पहला दूसरा तीसरा कॉलम आपने हटा दिया यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेंटर्स का जो डेटा सेट है वहाँ से कॉलम हट गए हैं देखिए आप क्या आएगा अगर आप पेंटर्स को आप फिर से प्रिंट करते हैं तो अगर आपका ये मानना है कि ये जो मैंने सेलेक्ट कमांड यूज़ किया है इससे हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में से ये तीन कॉलम हट गए हैं तो देखिए ये गलत है देखिए ये आपके सारे सारे कॉलम्स सारा सारा डेटा आपका पेंटर्स के अंदर है एज इट इज़ इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि आप ये जितने भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं इससे आपका जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही है और आप खाली अपने इच्छा के अनुसार आपकी अपनी आवश्यकता के अनुसार इन वेरिएबल्स को इन कॉलम नेम्स को आप मैनिपुलेट कर लेते हैं आपको जो चाहिए वो आप रखते हैं और जो जो कंडीशन लगाती हैं आप उसको लगाते जाते हैं ओके अब हम एक कमान की और बात करते हैं स्प्लिट स्प्लिट का क्या मतलब होता है तो तोगना उसको भागों में कई हिस्सों में डिवाइड करना अब इसका इस्तेमाल क्या है कि अब आपने ये देखा आपने देखिए इस गेटर सेट में जो आपने यहाँ पे लिया है पेंटर्स जैसे आप अगर आप स्कूल पे ध्यान दीजिए तो आप स्कूल पे अगर ध्यान देंगे तो देखिए पहले से लेकर कि ये कितना मैंने हाईलाइट किया है इसमें देखिए सभी का स्कूल क्या है ए राइट right. और इसके बाद देखिए क्या है जो अगले आपके पास थे वैल्यूज़ हैं यहाँ पे स्कूल क्या है बी ऐसे ही आप अगर नीचे आते हैं उसके बाद में स्कूल क्या है सी और उसके बाद में आप जब नीचे और आते हैं तो आपका स्कूल क्या है डी और उसी तरीके से भिन्न भिन्न स्कूलों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अब मेरी इच्छा ये है या हमारी आवश्यकता ये है कि हम इस पेंटर्स का जो हमारा डेटा फ्रेम है इसको हम स्कूल इस के अनुसार भिन्न भिन्न हिस्सों में स्प्लिट कर दें डिवाइड कर दें कि हमारा ए का हिस्सा हमारा अलग हो जाए बी का हिस्सा हमारा अलग हो जाए सी का हिस्सा हमारा अलग हो जाए एंड सो ऑन तो यह कार्य करने के लिए आपके पास यहां पे कमांड होता है स्प्लिट राइट right. और स्प्लिट का जो हमारा रूल होता है उसमें यह है कि सबसे पहले आप लिखिए कमांड का नाम स्प्लिट और उसके बाद लिखिए अपना डेटा फ्रेम का नाम जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं राइट right. और उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखिए जिस वेरिएबल के अनुसार आप अपने डेटा को आप स्प्लिट करना चाहते हैं और जब हम इस वेरिएबल का चॉइस करते हैं चुनाव करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर ये फैक्टर वेरिएबल है अगर ये हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है तो ज़्यादा अच्छा होगा अब सवाल आता है कि अगर ये कोई और वेरिएबल हो तो क्या होगा चलिए हम इसको करके देखेंगे आगे लेकिन मैंने कहा यहाँ पे दिस शुड प्रेफरेबली बी अ फैक्टर वेरिएबल अगर फैक्टर वेरिएबल है तो अच्छा है ओके अब देखिए हम एक काम करते हैं हम अपने इस कमान को एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ पर हम इस पेंटर्स का जो डेटा है उसको हम उनके स्कूल के अनुसार स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं और देखिए आपको कैसा आउटपुट मिलेगा पहले मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ फिर मैं आपको में करके दिखाऊंगा देखिए इस तरह का कमांड आएगा जो भी मैंने इसका आउटकम है आप अगर ध्यान दीजिए मैंने इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया है स्प्लिटेड वो क्यों किया है वो अभी मैं आपको आर में करके दिखाऊंगा क्योंकि इसका जो आउटकम बहुत ही लंबा आता है जिसको हम एक बार में देख नहीं पाते हैं इसलिए मैंने इसको फिर से देखने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा स्प्लिटेड अपने वेरिएबल का नाम अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले तो देखिए आप ये क्या लिखा हुआ है डॉलर ए डॉलर का मतलब होता है कि जैसा मैंने पहले बात करी थी कि डॉलर के पहले आपका पेंटर का नाम लिखा हुआ है पेंटर्स जो आपका डेटा फ्रेम का नाम लिखा हुआ है आप ये मान लीजिए जो स्कूल ए वाले सारे के सारे हैं ये उसने मुझे एक साथ दे दिए और उसके बाद में इसने आगे आया ये हमारा आउटकम आगे भी आएगा तभी मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूड और ये इसका स्क्रीन है अगले वाले में आपको ये जो आपका स्कूल है बी ये दे दिया इसने आपको देखिए ये और ये इसका देखिए आउटकम है राइट right. और उसके बाद में इसने आपको जो स्कूल सी है उसके अनुसार यहाँ पे दे दिया डॉलर सी मतलब पेंटर्स डॉलर सी उसी तरह से हमारा ये डी ई एफ जी के लिए आगे आता जाएगा और अंत में ये आपको स्कूल एच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और जो देखिए यहाँ पर इंडिकेट करी गई है राइट ओके चलिए अब हम इसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं हम इस कमान को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे अब देखते हैं कि हमारा इसका क्या आउटकम आ गया देखिए ये।, ये आपको मैंने कहा था ना इसका आउटकम बहुत लंबा आता है उसी को इसीलिए मैंने उसको हिस्सों में करके दिखाया है देखिए सबसे पहले आप, आपका आ गया डॉलर ए राइट इसके अंदर ए स्कूल के सारे सारे पेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई और उसी तरीके से देखिए अगला आपका क्या आ गया डॉलर बी के बारे में आ गया फिर आपका डॉलर सी अर्थात स्कूल नंबर सी के बारे में सारा डेटा आपका बाहर आपका स्प्लिट हो गया और इसी तरह से देखिए आप यह डी के अनुसार हो गया उसी तरीके से ई के अनुसार हो गया देखिए आप ये जो अंतिम कॉलम हमारा है स्कूल देखिए यहाँ पे सारा का सारा क्या है ई और ऐसे अगर हम एफ के अनुसार आते हैं तो स्कूल में देखिए स्कूल की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे सबको देखिए एफ ओके okay. और ऐसी देखिए आप अगर यहाँ पे स्कूल में दिया हुआ है जी और यहाँ भी लिखा हुआ है डॉलर जी इसका मतलब डॉलर जी का मतलब यही है कि इसके आगे हमारा जी के अनुसार का डेटा दिया हुआ है और उसी तरह से हमारा अंतिम हमारा है एच तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे देखिए सारा स्प्लिट हो गया लेकिन अभी हमारे पास एक समस्या है समस्या क्या है कि ये देखिए आप आउटकम इतना लंबा आ रहा है और इसमें से अगर मुझे किसी हिस्से को बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालें अब ये अगर आपको निकालना है तो आपको अपना जो आपने पहले पढ़ के रखा है उसके बारे में ज़रा सा सोचिए कि आपने अब तक जो कुछ सीखा है क्या उसका इस्तेमाल करके आप इसमें से अगर हम के उदाहरण के लिए जो ए सेक्शन का हिस्सा है जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है क्या आप उसको बाहर निकाल सकते हैं आप उसको खाली इतना जो हमारा डेटा है आप इस आउटकम से क्या बाहर आप सेव कर सकते हो आपको मैंने ये बताया था कि कोई भी डेटा फ्रेम अगर है उसमें से अगर मुझे किसी वेरिएबल को बाहर करना है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को बाहर करना है तो हम डेटा फ्रेम का नाम और उसके साथ में डॉलर लगा करके उसका वेरिएबल लिख देते हैं ओके तो क्या हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं अगर हमको मान लीजिए कि इसका नाम हमारा है ए तो क्यों न हम टाइप करें स्प्लिटेड डॉलर ए स्प्लिटेड क्या है इस पूरे पूरे जो हमारा आउटकम आया है इसका नाम है अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि ये जो हमारा आउटकम आया है ये है क्या ये डेटा फ्रेम है कि नहीं है तो चलिए काम करते हैं हम पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या है इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम अगर हम ये करेंगे और यहाँ पे हम अपना टाइप करेंगे अपना वेरिएबल नेम जिसके अंदर मैंने आउटकम स्टोर किया है तो देखिए क्या जाता है इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम ये आपका डेटा फ्रेम नहीं है राइट अब हम एक काम करते हैं हम जरा सा स्प्लिटेड डॉट सॉरी डॉलर ए को हम टाइप करते हैं और देखते हैं कि ये आपका क्या आ गया ये आपका देखिए यही वैल्यू तो आ गई जो आपने देखी यहाँ पर देखी थी जो आपने स्प्लिटेड का जो पहला हिस्सा था जहाँ पे स्कूल की वैल्यू थी ए आप कंपेयर करिए देखिए यही वैल्यू तो है ही जो आपकी यहाँ पर आ गई तो चलिए हम एक काम करते हैं इसको जरा सा चेक करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू आई है क्या ये हमारा डेटा फ्रेम है तो मैंने कह दिया इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम और ये देखिए आ गया ट्रू और मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि आपने ये देखिए जो पूरा पूरा हिस्सा लिया पूरा पूरा आउटपुट लिया हुआ है यहाँ पर यह कह रहा है कि ये आपका आउटपुट डेटा फ्रेम नहीं है लेकिन जब आप इस आउटपुट का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं तो ये कह रहा है कि यस ये डेटा फ्रेम है राइट उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि आपको एच वाला हिस्सा है वो आपको बाहर निकालना है तो देखिए आपने उसको कर दिया अपना जो भी आउटकम का नाम है स्प्लिटेड डॉलर एच और आपको सारे सारे स्कूल जो आपने यहाँ पर लिखे थे जिनके करस्पॉन्डिंग स्कूल की वैल्यू है एच ये आपको डेटा यहाँ पर आ गया अब इसको भी ज़रा हम देखते हैं क्या ये हमारा डेटा फ्रेम है तो हमने कर दिया इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम और ब्रैकेट में कर दिया इसका नाम ये आ गया ट्रू मतलब कि जब आपने इस अपने डेटा फ्रेम को छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट किया तो जो उसका आउटकम आया वो तो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में नहीं था लेकिन जो उसके हिस्से हुए हैं वो हिस्से डेटा फ्रेम ही हैं और ये मानना भी बहुत आसान काम है कि अगर हम किसी डेटा फ्रेम को स्प्लिट करेंगे तो उसके जो हिस्से भी तो डेटा फ्रेम की होंगे और यही बात मैंने आपको सबसे पहले उदाहरण के थ्रू करके दिखा दी है अब हम इसको अपनी स्लाइड में देखते हैं देखिए यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जैसे देखिए स्प्लिटेड डॉलर ए और स्प्लिटेड डॉलर एच ये आपके क्या है ये आपके इसी स्प्लिटेड आउटकम के स्कूल ए और स्कूल एच के हिस्से हैं और ये भी हमारे डेटा फ्रेम है और जो देखिए मैंने आपको अभी कंसोल में करके देखिए दिखाया और ये इसका स्क्रीन भी है राइट तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है अभी हमने एक किसी डेटा फ्रेम को हिस्सों में बांटने की कोशिश करी अब हम इसका उल्टा काम करते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम है तो उनको हम जोड़ेंगे कैसे उनको हम कंबाइन कैसे करेंगे तो अब हमारे पास देखिए डेटा फ्रेम को जोड़ने के कई तरीके होते हैं अगर हमारे पास आ गया मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास दो डेटा फ्रेम है मैंने कह दिया वन और टू अब इनको दोनों को मैंने साइड बाय साइड जोड़ दिया वन और टू एक तो ये तरीका है और दूसरा ये है कि मैंने उनको एक के ऊपर एक जोड़ दिया एक और दो और तीसरा ऑप्शन ये है कि डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम टू में कोई एक ऐसा कॉमन वेरिएबल है और हमने अपने डेटा सेट वन और डेटा सेट टू को उस कॉमन वेरिएबल की सहायता से जोड़ दिया लेकिन तो जो हमारा कॉमन वेरिएबल है वो हमारा दोनों हमारे एक और दो फ्रेम में रहेगा और यह काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन कमांड्स हैं एक है सी बाइंड एक है मर्ज और एक है आर बाइंड और इनके हमारे क्या क्या काम होते हैं जो हमारा सी बाइंड है ये हमारे दो कॉलम्स को साइड बाई साइड ज्वाइन करता है अर्थात जो अगर हमारे दो डेटा फ्रेम्स हैं उनके जो हमारे उनको हम कॉलम के साथ में ज्वाइन कर देगा ओके okay, कॉलम का मतलब क्या हुआ ये डेटा फ्रेम है इसका एक ये कॉलम है और ये हमारा एक और डेटा फ्रेम है इसका ये कॉलम है तो ये दोनों को ज्वाइन कर देगा ओके okay. और दूसरा ऑप्शन है मर्ज एम ई आर जी ई ये जो हमारा मर्ज है ये हमारे दो डेटा फ्रेम्स को एक कोई कॉमन कॉलम ले करके जॉइन कर देगा जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो डेटा फ्रेम है इसमें हमारे यहाँ पे कॉलम्स होते हैं राइट right. हो सकता है कि इसमें से कोई एक ऐसा कॉलम हो जो दोनों में कॉमन हो जैसे कि अगर हम कहें हमारे पास स्टेट के नाम है राइट right. और और, और सपोज़ कि हमारे पास कोई भी स्टेट का उत्तर प्रदेश का सपोज़ सब, कोई डेटा दि, दि, है और उत्तर प्रदेश के जो हमारे भिन्न भिन्न भिन शहर हैं वहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया है और यह डेटा दो लोगों द्वारा दो दो अलग अलग एस्पेक्ट पर कलेक्ट किया गया है तो उनके अंदर क्या होगा एक डेटा सेट में खाद्यान्न के बारे में है और दूसरे डेटा सेट में सपोज कपड़ों के बारे में है तो लेकिन दोनों डेटा सेट में जो हमारे शहर के नाम है वो तो कॉमन ही रहेंगे तो हम इस दोनों डेटा सेट को जो कॉमन कॉलम नेम है उसकी सहायता से दोनों को मर्ज कर देंगे और तीसरा हमारा ऑप्शन है आर बाइंड ये जो आर बाइंड है ये इन दो डेटा सेट्स को एक के ऊपर एक रख करके जोड़ देता है अर्थात ऐसा डेटा सेट वन और इसी के नीचे कर दिया डेटा सेट टू तो ये तीन कमांड हमारे हैं सी बाइंड मर्ज और आर बाइंड जो हमारे डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करने के लिए अथवा कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं आपको याद होगा जब मैंने डेटा फ्रेम का आरंभ किया तब मैंने आपसे कहा था कि डेटा को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कई कमांड होते हैं सी सी बाइंड और डेटा फ्रेम तो उसी में से मैंने आपसे कहा था कि सी बाइंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे तो आज हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं ओके तो इन तीनों कमांड्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और हम और उदाहरण के थ्रू हम इन तीनों कमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे तो एक काम करते हैं अब हम अपने जो पुराने वाले डेटा सेट है पेंटर्स उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम एक छोटा सा डेटा फ्रेम तैयार करने की कोशिश करेंगे जो आपको आंख से साफ साफ दिखाई दे और मैं आपको ये समझा सकूं कि आप इसमें से क्या कर रहे हो तो देखिए मैंने यहाँ पे दो डेटा फ्रेम बनाए और दोनों को नाम दिया मैंने डी एफ वन और डी एफ टू डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम टू और देखिए मैंने उसमें से क्या लिया है मैंने डेटा फ्रेम वन में दो वेरिएबल लिए एक मैंने लिया स्टेट अब हमारे पास मैंने स्टेट में चार नाम लिए उत्तर प्रदेश उसको मैंने यूपी से इंडिकेट कर दिया मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को मैंने एम से इंडिकेट कर दिया आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश को मैंने ए से इंडिकेट कर दिया और जे के जम्मू कश्मीर को मैंने जे से इंडिकेट किया है और ये चूंकि हमारे कैरेक्टर हैं तो उनको मैंने डबल कोर्स के अंदर लिया हुआ है और ये चार वैल्यूज हैं तो उनको मैंने सी कमांड के थ्रू कंबाइन कर दिया है तो पहला हमारा वेरिएबल हो गया स्टेट और उसके अंदर चार वैल्यूज़ हैं यूपी एमपी एपी जीके और अगला हमारा वेरिएबल है पॉपुलेशन साइज तो जिसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है पी ओ पी एन पॉपुलेशन का शॉर्ट फॉर्म और साइज और यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली है एक हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार और इसको मैंने सी कमान के साथ में कंबाइन कर दिया है तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने यहाँ पे चार वैल्यूज़ ली हैं और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट और यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन साइज और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है जैसे यूपी एम पी ए पी जे के और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी पॉपुलेशन लिखी है एक हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार और चार हज़ार ओके okay. तो ये हमारा एक डेटा फ्रेम हो गया और दूसरा डेटा फ्रेम मैंने तैयार किया और वहाँ पर मैंने ये स्टेट को कॉमन रखा है यूपी पी एम पी ए पी जे के जैसा मैंने पहले डेटा फ्रेम में किया है लेकिन मैंने यहाँ पे बाकी वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने एक वेरेबल लिया है सैम्पल साइज़ और इसको मैंने लिख लिया है सी हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और एक और वेरेबल लिया है सर्वे कम्प्लीटेड और उसका डेटा हमारा है यस और नो के फॉर्म में दिया हुआ यस नो यस नो और इसको मैंने सी के साथ में कंबाइन कर दिया है तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमारा डेटा फ्रेम देखिए कैसा है यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन वेरिएबल्स हैं कौन कौन से तीन वेरिएबल हमारे पास हैं एक हमारा है स्टेट स्टेट का नाम दूसरा हमारा है सैम्पल साइज और तीसरा हमारा क्या है सर्वे कंप्लीटेड मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सी यू एम पी और यहाँ पे देखिए क्या है हमारे यू पी एम पी ए पी और जे के और ये इसमें से है क्या यहाँ से मैंने सैम्पल साइज़ कौन कौन से लिए सौ दो सौ तीन सौ चार सौ और यहाँ पे क्या सर्वे कंप्लीट हुआ है आंसर है यस नो no, यस yes, नो no. और ये देखिए हमारे पास दो ऐसी स्प्रेड शीट हैं ये हमारी है डी एफ वन और ये हमारी है डी एफ टू और दोनों में आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा एक कॉलम है स्टेट ये देखिए दोनों में कॉमन है स्टेट यहाँ भी है और स्टेट यहाँ भी है और अगर आप अपने डेटा फ्रेम में देखेंगे देखिए स्टेट यहाँ भी दिया हुआ है और स्टेट मैंने यहाँ भी लिया हुआ है और दोनों स्टेट सेम है तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं पर दो लोगों ने सर्वे किया है और एक इंसान ने सर्वे में जो पॉपुलेशन साइज है उसको खाली रिपोर्ट किया है और अगले इंसान ने कितने साइज़ का सैम्पल लिया गया और उसके बाद में सर्वे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है ये वाली इंफॉर्मेशन दी है अब हमको इसको कंबाइन करना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा फ्रेम वन और ये हमारा डेटा फ्रेम टू है जो मैंने आपको टेबलर फॉर्म में, में तो करके दिखा दिया है अब जब इसको आप डेटा फ्रेम के फॉर्म में करेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा ओके okay. अब इसको देखिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया कैसे कंबाइन किया सी बाइंड से डी एफ वन डी एफ टू अब तो देखिए सी बाइंड आपका क्या करता है सी बाइंड कुछ नहीं करता बहुत आसानी से दोनों डेटा सेट को बगल बगल रखेगा और दोनों को जोड़ देगा ये देखिए बस इसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि यहाँ पे स्टेट यह का वेरिएबल दोनों में समान है ओके okay. और इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे जब हम सी बाइंड का काम से काम कर रहे हैं तो ये तरीका बिना कुछ सोचे समझे दोनों डेटा फ्रेम को बगल बगल रख करके उनको एक ही डेटा फ्रेम में कंबाइन कर देगा दैट्स ऑल राइट right, अब से हम इसको पहले अपने आर सॉफ्टवेयर में करके देख लेते हैं राइट right, देखिए हम ये दोनों डेटा फ्रेम पे क्रिएट करते हैं अब आप देख सकते हो कि आपका डी एफ वन क्या आया ये और डी एफ टू क्या आया ये और जब आपने इसको सी बाइंड किया तो क्या कर दिया डी एफ वन कॉमा डी एफ टू ये देखिए इसने खाली देखिए ये जो आपको था स्टेट ऑफ पॉपुलेशन साइज स्टेट पॉपुलेशन साइज डी एफ वन के उसने यहाँ पे कम लिख दिया और अगले डेटा फ्रेम के थे स्टेट सैंपल साइज सर्वे कंप्लीटेड स्टेट सैंपल साइज सर्वे कंप्लीटेड इसने यहाँ पे लिख दिया और इसने दोनों को जोग दिया बस ओके okay, तो देखिए ये तो हमारा हुआ सी बाइंड का कमान का, का काम और ये इसकी देखिए स्क्रीन भी है जो आपने अभी है ओके okay. अब हम यूज करते हैं मर्ज आप अगर जरा सा एक मिनट के लिए यहां पर सोचिए इस उदाहरण में आप क्या कहते थे अगर हम इसको दोनों डेटा सेट को अगर हम मर्ज करना चाह रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता था कि हम सबसे पहले यहां पर लिखें स्टेट इस और इसके नीचे लिखें यूपी देन एम पी देन ए पी और जे के और इसके बाद में हम लिख दें यहाँ पे अपना जो भी है पॉपुलेशन साइज एक हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार और इसके बाद में जब हम अगले डेटा फ्रीम में यहाँ पर आते हैं तो हम देख रहे हैं ये तो स्टेट हमारा लिखा हुआ है पहले से तो हम इसको क्यों यहाँ पे रिपीट करें तो हम यहाँ पर इसमें से यहाँ पर जो भी मेरा सैम्पल साइज़ की वैल्यू है हम इसको लिख दें हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और उसके साथ में हम लिख दें वेदर ये जो सर्वे हमारा है ये कम्प्लीटेड है कि नहीं है कहते यहाँ पे यस नो यस और नो हम ऐसा भी तो कर सकते थे और ये हमारा एक कंस बनाता है राइट right. तो देखिए ये जो हमारा कमांड है ना मर्ज ये हमारा इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हमारी सहायता करता है और ये जो मर्ज कमांड है ये हॉरिजेंटली दोनों डेटा सेट को मर्ज करता है जैसा सी बाय ने किया है लेकिन ये जो उसका कॉमन वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में करता है राइट right. तो हम इन्हीं दो डेटा फ्रेम को हम फिर से इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है और हम इस मर्ज कमांड को कैसे इस्तेमाल करेंगे अब देखिए जब आप मर्ज कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो ये तो आपको बताना ना कि आपकी कॉमन वेरिएबल क्या है ओके okay, तो सबसे पहले हम वही वाला उदाहरण लेते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डी वन और डी टू तैयार करे हैं हम उन्हीं को लेंगे और हमने ये ध्यान दिया इसमें कि दोनों में जो स्टेट वेरिएबल है दोनों डेट डेटा फ्रेम में वो मेरा कॉमन है ओके okay, अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं ऐसे आप सोचिए अगर तो ये मर्ज का मतलब क्या होता है मर्ज का आप अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे तो वह क्या है मिलाना तो ये क्या करेगा दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज कर देगा लेकिन आपको ये उसको बताना पड़ेगा कि इसमें से किस वेरिएबल के थ्रू कैसे ये डेटा को मर्ज करे राइट right. कौन सा कॉलम हमारा ऐसा होगा जो हमारा मर्ज करने में सहायता करेगा जैसे मैं मैंने उदाहरण के लिए आपको जो अभी दिया है देखिए यहां पर यहां पे आपका जो स्टेट वेरिएबल है ये देखिए ये स्टेट वेरिएबल जो है ये देखिए दोनों में कॉमन है तो स्टेट वेरिएबल हमारा मर्ज करने में सहायता कर सकता है तो मर्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमको देना होता है बाई या बाई डॉट एक्स या बाई डॉट वाई इन कमांड्स को मुझको यूज करके हम ये बता सकते हैं अगर मुझको एक्स और वाई नाम के दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना है तो हम बाई या बाई डॉट एक्स या बाई डॉट वाई का इस्तेमाल करके अपने मर्ज कमांड को बता सकते हैं कि किस वेरिएबल के साथ में आपको डेटा को मर्ज करना है और ऐसे हमारा एक और उसमें से ऑप्शन होता है शॉर्ट अगर आप उसको बाद में शॉट भी करना चाहें ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल होता है ट्रू और फॉल्स लेता है इसके साथ में हमारे पास कुछ और भी ऑप्शनस होते हैं कफिक्स के बारे में है राइट right, और ऐसे हमारा नो no डूप्स है अर्थात कि उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं हो, नहीं होना चाहिए लेकिन हम आपको कहेंगे इसके लिए आप एक बार हेल्प में आप जाइए और आप इस मर्ज कमांड के बारे में आप वहाँ से देखिए राइट right, हम आपको यहाँ पे उदाहरण दिखा करके आपको हम समझाना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा हो गया डेटा फ्रेम वन ये हमारा हो गया डेटा फ्रेम टू ये हम पहले बात कर चुके हैं अब मैंने नाम जिसकी रेस्पेक्ट में, में मेरे को दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना है तुम्हारा तो क्या वेरिएबल का नाम है स्टेट और आप देखेंगे आपका जो आउटकम आ गया ये वही आउटकम तो आ गया जो आपने बिना कमान को जाने हुए अपने कॉमन सेंस से लॉजिकल वे में सोचा था राइट right. अब बस यहां पे आप अगर एक चीज ध्यान देंगे कि उसने यहां पे जब स्टेट को उसने यहां पे मर्ज किया है तो इसने जो यहां पे ऑर्डर था यूपीएम पी एपी जे के यूपीएम पी एपी जे के इसको उसने यहां पे बदल दिया है और उसको कर दिया ए पी जे के एम पी यूपी ये कहां से आ गया ये एक्चुअली में आप अगर देखेंगे तो इसने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया है सबसे पहले ए से आता है आंध्र प्रदेश उसके बाद जे से जम्मू कश्मीर फिर एम से आता है मध्य प्रदेश और यू से आता है हमारा उत्तर प्रदेश लेकिन उसने जब ये सॉर्टिंग करी है तो उसने इसके साथ में बाकी डेटा को भी पूरा पूरा लिया है आप अगर देखिए एपी का डेटा मेरे यहाँ पे क्या है तीन हजार तो देखिए एपी का डेटा यहां पर तीन हजार ही आया है और एपी का डेटा यहां पर क्या है हमारा 300 और यस तो देखिए 300 और यस ही आया है तो इसका मतलब यह है कि मर्ज कमांड ने अपना दिमाग लगाया है और उसने स्टेट के साथ में उसको मर्ज किया और साथ में उसने डेटा को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है और यही देखिए कमांड आपको मैंने यहां पे दिया था सॉर्ट कि उसने उसको सॉर्टिंग को डिफॉल्ट मान लिया है राइट right, अब हम देखिए इसी कमांड को जरा सा आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तो देखिए ये आपका था सी बाइंड अब देखिए मैंने कह दिया मर्ज देखिए यहां पे क्या हो गया अब आप देखिए आपका स्टेट यहां पर आ गया और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही है कि और इसको आप अगर सी बाइंड के साथ में कंपेयर भी करना चाहें तो भी देखिए आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका सी बाइंड में स्टेज दो बार आया था आपका स्टेज देखिए यहाँ पे खाली एक ही बार आया है ओके okay. अब हम जरा सा इसी के अंदर देखिए शॉर्ट कमांड का भी इस्तेमाल करते हैं और हम करते हैं शॉर्ट इज इक्वल टू फॉल्स अर्थात हमको शॉर्ट नहीं करना है तो देखिए आपका क्या डेटा आ गया आपको देखिए उसी ऑर्डर में आ गया जिस ऑर्डर में आपने डेटा दे, दिया था यूपी पी एपी जे के एमपी पी एपी जीके तो यह भी देखिए आपके कंट्रोल में है कि आप अपना जो भी नए डेटा सेट में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो और देखिए यही इसका आउटकम भी है ओके अब हम आपको जो मेरा अंतिम कमांड है आर बाइंड उसके बारे में बताते हैं तो आर बाइंड आपको समझ में आ गया है कि आर बाइंड इस डेटा को ऊपर नीचे अरेंज करेगा लेकिन जब ऊपर नीचे अरेंज करेगा तो इसमें से एक कॉमन कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बराबर होने चाहिए अगर बराबर नहीं होंगे तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा लगेगा कि एक में हमारे पास ज़्यादा कॉलम्स हैं और एक में कम कॉलम है तो इसके लिए मैंने अपने दे, दो दोनों डेटा फ्रेम को मैंने थोड़ा सा बदल लिया है आप अगर ध्यान देंगे तो पहले वाले डेटा फ्रेम में, में मेरे पास यहाँ पे एक और दो कॉलम थे और दूसरे डेटा फ्रेम में एक दो और तीन कॉलम थे तो मैंने दोनों को मैंने दो दो कर लिया है और मैंने एक मैंने नया डेटा फ्रेम डिफाइन कर लिया है स्टेट यू पी एम पी ए पी जे के और दूसरा वेरिबे ले लिया पॉपुलेशन साइज एक हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार और मैंने अगला डेटा फ्रेम ले लिया है मैंने स्टेट बिहार दिल्ली पंजाब और इसमें मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन खाली तीन ही लिए हैं और वहाँ पे मैंने कर दिया पॉपुलेशन साइज से 100 200 300 अगर मैंने अपना देखिए ऐसे अगर डेटा लिया होता हमारे पास दो कॉलम हैं एक हमारा है सपोज हाइट और दूसरा हमारा है एज और दूसरा हमारा डेटा फ्रेम है एक में दिया हुआ है हमारा हाइट और दूसरे में दिया हुआ है वेट अब आप ऐसे सोचें कि अगर हम ये दोनों डेटा सेट को क्लब करेंगे वर्टिकली ऊपर नीचे करके तो हाइट और हाइट तो हमारा एक साथ मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एज और यहाँ पे आ जाएगा वेट तो इसलिए जब आप वर्टिकल ऐसा कुछ मर्जिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि कुछ ऐसे हमारे पास वेरिएबल हो जिनका कुछ मतलब बनता हो और इसीलिए आप ध्यान देंगे मैंने पहले डेटा फ्रेम में स्टेट अलग अलग ली हैं और दूसरे डेट में दूसरे डेटा फ्रेम भी, भी मैंने स्टेट ली हैं लेकिन मैंने अलग अलग ली हैं अब देखिए अब हाँ इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं आप जब इसको आर में एग्जीक्यूट करोगे तो देखिए आपका पहला डेटा फ्रेम ऐसे बन जाएगा स्टेट और पॉपुलेशन साइज यू पी एम पी ए पी जे के साथ में उनकी पॉपुलेशन साइज और यहाँ पे हमारा दूसरा डेटा फ्रेम बन जाएगा यहाँ पर बिहार दिल्ली पंजाब पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में पॉपुलेशन साइज ही है जो हमारा हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड है और इसका आप अगर आउटकम देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आएगा और जब इसको आप आरबाइंड करेंगे तो देखिए ये एक के ऊपर एक ये मर्ज हो जाएगा आप यहाँ स्क्रीन शॉट से देखिए तो आपको समझ में आएगा ये देखिए था आपका डेटा फ्रेम वन ये था डेटा फ्रेम टू और दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो देखिये ये आपका बन गया डेटा फ्रेम थ्री राइट यहाँ पे देखिए आपका जो यूपी एम पी एपी जे के यहां पर आ गया बिहार दिल्ली पंजाब यहां पर आ गया जो उसकी पॉपुलेशन साइज थी एक हजार दो हजार तीन हजार चार हजार ये आपका यहां पर आ गया और आप अगर यहां देखोगे तो देखिए हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड आपका यहां पर आ गया अब हम आपको देखिए यही ऑपरेशन आपको आर्मी करके दिखाते हैं जो यहां पर आपको ऐसा देखिए आउटकम मिलेगा ओके okay. तो देखिए ये हम अपने दोनों डेटा फ्रेम्स को यहाँ पे तैयार करते हैं देखिए ये आपका आ गया डी एफ वन वन और ये आपका आ गया डी एफ टू टू राइट और उसके बाद में आपका क्या देखिए आपने कमांड यूज़ किया है आपने कमांड किया है आर बाइंड आर बाइंड दोनों डेटा फ्रेम को और जब आप देखोगे तो देखिए ये ऐसे आ गया अब आपको देखिए साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि ये दोनों डेटा फ्रेम आपके वर्टिकली एक के ऊपर एक मार्ज हो गए जैसे कि मैंने डेटा फ्रेम टू टू के ऊपर मैंने डेटा फ्रेम वन वन को रख दिया है ओके okay, सो so, अब हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं और इसके साथ हम अपने डेटा फ्रेम के भी जो डिस्कशंस हैं उनको भी हम समाप्त करेंगे डेटा फ्रेम में आपने देखा मैंने बहुत सारे कमांड्स किए हैं और जो भी एक हमारी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं कमांड्स होते हैं ऑपरेशंस होते हैं उनको मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश करी है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कोई बुक देखिए डेटा फ्रेम के हेल्प मेन्यू देखिए और उसमें से सोचिए आपको किन किन ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है और उनको आप खुद से करने की कोशिश करिए आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले टर्न पर एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलने आऊँगा तब तक तो के लिए गुड बाय